सिंपल पास्ता बनाई, एक नंबर लगेगा। पहले मैंने रिफाइंड डाली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जीरा और लाल शिमला मिर्च और प्याज और गाजर सारे तीनों को डालकर फ्राई कर लूँगी। और इसमें मैंने प्याज थोड़ा सा, दो चार कली लहसुन, एक टमाटर, एक प्याज और हरा मिर्च डालकर फ्राई करके थोड़ा सा, आधा स्पून खाने वाला स्पून से चीनी और नमक डाल के इसको पका लूँ, उसको ग्राइंड करके उसमें डालूँगी। इस तरह से भूनना है, सारे सॉफ्ट हो जाएंगे, प्याज शिमला मिर्च गाजर सारे को सॉफ्ट होने पर उनको हम भूनेंगे। उसके बाद जो मैं बॉईल करके पास्ता रखती हूँ उनको डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार जितना पसंद करती हैं उतना डालिए और तीखा भी जितना पसंद करती हैं उतना ही डालिए। इसको थोड़ा सा भून लीजिए, 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद जो मसाला को हम ग्राइंड किए हैं उसको डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत हेल्दी बनेंगे। मैं बॉयल भी की हूँ इसको पनीर वाला पानी में, इसको भून लेंगे। भूनने से थोड़ा सा सुलहापन आ जाता है और टेस्टी टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसी दौरान जो हम मसाला ग्राइंड किए हैं वो डालकर 5 मिनट भून लेंगे, जब तक कि मसाले ये पास्ते में चिपक न जाए। इस तरह से थोड़ा सा भूनने के तुरंत हो जाता है, बहुत टेस्टी बनेगा। एक बार इस तरह से बनाकर देखिए, ऊपर से आप टोमेटो सॉस, चिली सॉस डालकर खाना पसंद करते हैं तो खा सकते हैं। चलिए, बनकर तैयार हो गया पास्ता। ऊपर से आप जो भी पसंद करते हैं डालकर एंजॉय कीजिए। लो बेटा चखो।